हिमाचल प्रदेश के शिमला चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी लाइव हैं। बीजेपी का चुनावी मैनिफेस्टो यानी संकल्प पत्र रिलीज किया जा रहा है। संकल्प पत्र के विमोचन में हमारे सभी वरिष्ठ पत्रकार बंधुओं, मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे आज इस संकल्प पत्र के भूमिका के बारे में रखने का अवसर मिल रहा है। मैं यहां बैठा बैठा याद कर रहा था 5 साल पहले की कहानी, जब स्वर्गीय अरुण जेटली जी यहाँ आए थे और उन्होंने 5 साल पहले 2017 में हिमाचल प्रदेश की विकास की एक नई नींव रखी थी और उसमें योगदान करते हुए उन्होंने बहुत सी बातें हम सबके सामने कही थी। पब्लिक मेमोरी बड़ी शॉर्ट होती है, इसलिए मेरा ये जिम्मेवारी बन जाती है कि मैं उन बातों को आप तक जरूर याद दिलाऊं। उन्होंने उस समय कहा था कि वी विल वर्क फॉर दी डेवलपमेंट इन ऑल फील्ड्स टुगेदर, सर्वांगीण विकास हिमाचल प्रदेश का होगा और सर्वांगीण विकास में इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, हेल्थ और हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर, रेजिंग द एजुकेशन स्टैंडर्ड्स, नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के इंस्टीट्यूट्स का के विषय पर उन्होंने चर्चा की थी और उन्होंने कहा था कि हम यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी आगे बढ़ाएंगे। जब मैं इस विषय पर चर्चा करता हूँ तो मुझे यह भी ध्यान में आता है कि अगर हम आज देखें तो बड़े स्पष्ट शब्दों में समझ में आता है कि जो हमने कहा था वो तो किया ही किया, जो नहीं कहा था उसे भी पूरा किया है। और उसके साथ साथ विकास के दृष्टि से एक नए आयाम को हम लोगों ने स्थापित किया है। जो वायदे किए थे वो तो पूरे किए ही किए, लेकिन बुलंद इरादों के साथ हिमाचल प्रदेश की जनता की सेवा की गई है। और इसीलिए जब मैं चर्चा करता हूं, जिसके बारे में अभी सिकंदर जी ने भी आपके सामने कहा, बहुत सी बातें ऐसी थीं जो हमने कही थी और बहुत सी बातें ऐसी भी थीं जो हमने नहीं कही थी। अगर हम एम्पावरमेंट की बात करें तो हमारे ध्यान में आता है कि गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हमने कहा नहीं था कि हम लोगों को 2 वक्त की रोटी की मुनस्सर करेंगे, लेकिन हिमाचल प्रदेश में लगभग 28 लाख लोगों परिवारों को हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के साथ जोड़ा। अगर हम बात करें स्वच्छ भारत की तो हमारे ध्यान में आता है कि लगभग 1-2 लाख परिवारों को हमने स्वच्छता के साथ जोड़ा, इज्जत घर देने का प्रयास हुआ। अगर हम बात करें आवास योजना की तो मैं बार बार कहता हूं, कल प्रधानमंत्री जी ने भी आंकड़े बता करके बताए थे आपके सामने, आज हम हजारों की संख्या में प्रधानमंत्री आवास योजना में लोगों को पक्के घर दे रहे हैं। अगर हम सौभाग्य योजना की बात करें तो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। अगर हम बात करें आयुष्मान भारत, वी हैड नेवर टॉक्ड अबाउट इट, लेकिन आज हमें खुशी होती है ये कहते हुए कि लगभग 4,70,000 आयुष्मान भारत में परिवार कवर्ड है हिमाचल में। और जयराम ठाकुर जी ने कभी यह वायदा नहीं किया था कि हम आपको हेल्थ कवर देंगे, लेकिन 5,30,000 परिवारों को हिम केयर से जोड़ा गया और 5 लाख रुपए का वो पहुंचाया गया उनको फायदा। उसी तरीके से उज्ज्वला योजना में अगर 1,37,000 हिमाचल प्रदेश में गैस के लिए चूल्हा का इंतजाम किया गया तो हमने कहा नहीं था, लेकिन जयराम ठाकुर जी ने मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के तहत 3,23,000 लोगों को जोड़ा है। हमको अच्छी तरीके से याद है जब हम कहते थे कि सर्वांगीण विकास होगा और एम्पावरमेंट होगा, तो हमको यह भी याद रखना चाहिए कि घर घर नलके तो छोड़िए, मोहल्ले मोहल्ले नलके लग जाएं, इसकी भी हमारी से डिमांड हुआ करती थी। और आज हम हर घर नलका, इसके तहत हम आगे बढ़े हैं। एंड आई एम हैप्पी टू शेयर विथ यू
that 96% of Har Ghar Nalka has been completed in Himachal Pradesh. This is the situation. Agar hum baat kare Atal Pension Yojana ki, to lagbhag 2,80,000 logon ne iska bhi laabh uthaya hai. Ye Pradhanmantri Matritva Suraksha Abhiyan jo hai, isme lagbhag 3,00,000 behno ne Himachal Pradesh mein iska laabh uthaya hai. और मैं जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूं और अरुण जेटली जी की बात को कहता हूं तो आई एम हैप्पी टू शेयर विथ यू दैट इन पास्ट 5 ईयर्स 6,000 हमारे रूरल रोड्स बने हैं जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में और 6,000 हमारे किलोमीटर्स की सड़क बनी है. इस तरीके की बात हुई है. इसलिए मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो इन लोगों ने और हम लोगों ने मिलकर जो तय किया है कि राज नहीं रिवाज बदलेंगे, क्योंकि हम एक क्रेडिबल पार्टी की तरीके से लोगों की सेवा में जुटे हैं. हमने कभी नहीं कहा था कि हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज देंगे, लेकिन हमने 5 साल की अवधि में उसको बना करके दिया. हमने कभी नहीं कहा था कि हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट देंगे, लेकिन हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का काम पूरा लगभग हो रहा है. हमने कभी नहीं कहा था कि हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी हम देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी दिया. हमने कभी नहीं कहा था कि हम इतनी बड़ी संख्या में नेशनल हाईवेज बनाएंगे, लेकिन हमने नेशनल हाईवेज बनाए. बल्क ड्रग पार्क की बात कभी नहीं हुई थी. मुझे अच्छी तरीके से याद है कि हमने जब हमारे अरुण जेटली जी, स्वर्गीय अरुण जेटली जी आए थे, तो उन्होंने हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की थी. लेकिन आज बल्क ड्रग पार्क लगभग 2,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट यहां पर हो रहा है. उसी तरीके से मेडिकल डिवाइस पार्क का भी यहां पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है. इसलिए जब मैं अपने संकल्प पत्र की बात करता हूं तो संकल्प पत्र में मैं एक बात जरूर जोड़ना चाहता हूं और वह है कि यह संकल्प पत्र 11 कमिटमेंट्स के साथ खड़ा है. ये हमारी 11 कमिटमेंट्स हैं. डिटेल आपको मिलेगी, लेकिन हम आपके सामने 11 कमिटमेंट्स आपके सामने जरूर हम चर्चा करना चाहते हैं. पहली बात, ये 11 कमिटमेंट्स सोसाइटी में यूनिफॉर्मिटी लाएगी. ये कमिटमेंट्स यूथ और हमारे फार्मर्स को एम्पावर करेगी. ये कमिटमेंट्स हमारे हॉर्टिकल्चर को मजबूती प्रदान करेगी. ये हमारे कमिटमेंट्स हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को एक तरीके से न्याय दिलाएगी और ये हमारे कमिटमेंट्स कुल मिलाकर के एक रिलीजियस टूरिज्म को भी आगे बढ़ाएगी. और इसलिए मैं आपके सामने सबसे पहले जो संकल्प पत्र के 11 संकल्प के बिंदु हैं उनको आपके सामने मैं रखना चाहता हूं. सबसे पहला बिंदु है कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएगी और इसके लिए एक समिति बनाई जाएगी एक्सपर्ट्स की और उनके रिपोर्ट के आधार पर हिमाचल प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाया जाएगा. हमारी दूसरी कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री अन्नदाता सम्मान निधि के तहत जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में जो राशि मिलती है उसके साथ साथ 3,000 रुपए सालाना ये उसमें जोड़ा जाएगा और इसमें लगभग 9,83,000 हमारे किसान भाई जुड़ेंगे. अगर हम इसको ब्रॉड फिगर्स में कहें तो 10,00,000 किसान भाई इसमें जुड़ेंगे. हमारी तीसरी कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 8,00,000 से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज को हिमाचल प्रदेश में फेज मैनर में बढ़ाएगी. इसमें सरकारी जॉब और हमारे जो इकोनॉमिक जोन में काम हो रहे हैं उसके साथ मिलाकर के लगभग 8,00,000 से ज्यादा जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएंगी. हमारी चौथी कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी ये सुनिश्चित करेगी कि सभी विलेज सभी गांव
स्टेट के, वह पक्के सड़कों के साथ जुड़ जाएंगे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत अगले 5 सालों में, यानी ऑल वेदर रोड, और इसमें लगभग 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत का खर्च आने वाला है। हमारी 5वीं कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी एक प्रोग्राम लॉन्च करेगी शक्ति के नाम से, जिसमें 12,000 करोड़ रुपए 10 सालों में खर्च होंगे टू डेवलप, विकसित करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन, इसके डेवलपमेंट करने के लिए रिलीजियस प्लेसेस, टेंपल्स इसके इर्द गिर्द और इसके आसपास को डेवलप करने के लिए 12,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे शक्ति के नाम से, और इनको हिम तीर्थ के सर्किट से जोड़ा जाएगा और वेल कनेक्टेड बनाया जाएगा, इसका भी इसमें प्रयास होगा। हमारी 6वीं कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीएसटी के पेमेंट में हमारे किसान भाई जो एप्पल के पैकेजिंग में मटेरियल इस्तेमाल करते हैं वह 12% होगी, और उससे जो एडिशनल जीएसटी होगी उस पैकेजिंग की, वह प्रदेश सरकार उसको वहन करेगी। हम जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश सेवों के साथ जाना जाता है, सेव की साथ उसकी पहचान है, और इस विषय पर चर्चा चल रही थी कि पैकेजिंग के दृष्टि से जीएसटी 12% से ऊपर नहीं जानी चाहिए, तो हिमाचल सरकार ने तय किया है, और लगभग इससे 1,70,000 फार्मर्स को लाभ मिलेगा और 25 करोड़ रुपए की लागत इसमें लगेगी, ऐसा अनुमान किया गया है। हिमाचल प्रदेश के लिए भारतीय जनता पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र रिलीज कर दिया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सुन रहे थे आप, जिन्होंने घोषणा पत्र के 11 वादों के बारे में बताया। उनका यह कहना है हिमाचल प्रदेश में 8,00,000 नौकरियां जनरेट की जाएंगी, 8,00,000 नौकरियां हम देंगे और जो वादे किए गए हैं वो पूरे किए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो बोली है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वो ये कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर के आएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। ये सारी योजनाएं महिलाओं का सशक्तिकरण करती हैं, इसलिए हिमाचल प्रदेश की मैं प्रदेश इकाई को बधाई भी देता हूं, साधुवाद भी देता हूं कि इन्होंने कहा कि एक संकल्प पत्र स्त्री के महिलाओं के नाम पर होगा, महिलाओं के लिए होगा, इसलिए स्त्री शक्ति संकल्प यह भी इन्होंने करने का प्रयास किया है और उसको रखने का प्रयास किया है।